नमस्कार, एडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। डालेंगे एक नजर देश और दुनिया पर। एम्बुलेंस और टाटा मैजिक की हुई भिड़ंत, हादसे में 5 लोग हुए घायल। यूपी के जिला अलीगढ़ के थाना आतराबाद इलाके में हुआ हादसा। तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर पलटा, हादसे के बाद 200 से ज्यादा मधुमक्खी से भरे हुए डिब्बे सड़क पर बिखरे। यूपी के जिला अलीगढ़ में हुए हादसे का वीडियो आया सामने। घायल महिला दरोगा को नहीं मिला अस्पताल में स्ट्रेचर। महिला थाना प्रभारी घायल को गोद में लेकर अस्पताल पहुंची। यूपी के जिला फिरोजाबाद से वीडियो आया सामने। कांवड़ियों की भीड़, रात में महिला घाट पर नहाने पहुंच गई। पुलिस ने कुछ कांवड़ियों को लाठी फटकार कर घाट से दूर किया। आक्रोशित कांवड़ियों ने कई दुकानों में की तोड़फोड़, वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के झुंझुनू से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। दृष्टि आईएएस कोचिंग की बेसमेंट में चलने वाली क्लास हुई सील। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद मुखर्जी नगर में प्रशासन हरकत में आया। दिल्ली से कार्रवाई का वीडियो आया सामने। महिला को सड़क पर लाठी से पीटने का वीडियो हुआ वायरल। एक महिला को डंडे से युवक ने पीटा, दो महिलाओं ने जमकर की मारपीट। यूपी के जिला बुलंदशहर से जुड़ा है पूरा मामला। पुलिस लिखी गाड़ी कांवड़ियों की लेन में घुसी, कांवड़ियों ने मचाया उत्पात। कांवड़ियों ने बुलेरो गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। यूपी के जिला गाजियाबाद से लाइव वीडियो आया सामने। अवैध कब्जे की शिकायत का निस्तारण करने पहुंचे एसडीएम ने महिलाओं से की अभद्रता। एसडीएम का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के जिला बुलंदशहर से जुड़ा है पूरा मामला। अधिकारियों से प्रताड़ित होकर ग्राम विकास अधिकारी फूट फूट कर रोए। अधिकारी का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के जिला इटावा से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। सोमवार को एक बार फिर बड़ा हादसा होने से टला। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दो हिस्से में बटी। ट्रेन के डिब्बे और इंजन हुए अलग। बिहार के समस्तीपुर में हुए हादसे का वीडियो आया सामने। ये थी देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। कल नई 10 अपडेट को लेकर फिर मिलेंगे हर छोटी बड़ी खबर के साथ। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें एटी न्यूज़ इंडिया।